हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर। मतलब ये सबको सेंटीमीटर में हमें एक्सप्रेस ये सबको सेंटीमीटर में हमें लिखना है यूजिंग डेसीमल्स, और डेसीमल्स यूज करके हमें सेंटीमीटर में इसको लिखना है। तो यहाँ पे दिया है 2 मिलीमीटर, और यहाँ पे दिया 30 मिलीमीटर, यहाँ पे दिया है 116 मिलीमीटर, डी में दिया है 4 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो इसमें से मैं आपको 2 का मैं बता दूंगी आपको, और यहाँ पे सी का मैं बता दूंगी आपको, और डी का मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि ये थोड़े अलग है। यहाँ सिंगल डिजिट का 2 का है, ये 30 मिलीमीटर का आप खुद करिएगा, ई का आप खुद करिएगा, एफ का आप खुद करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ए सी और डी का समझाऊंगी। तो यहाँ पे ए सी डी का हम लोग शुरू करते हैं। तो ए का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मिलीमीटर। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे क्या दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो हमें जो दिया हुआ है उसका 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 2 मिलीमीटर, तो हमें चाहिए 1 मिलीमीटर का वैल्यू। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 मिलीमीटर, यहां से मैंने ये वाला फॉर्म किया, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। क्या गिवन है, 2 मिलीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर गिवन है। 2 मिलीमीटर 1 का वैल्यू निकल गया, अभी हमें चाहिए 2 का वैल्यू। तो 2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 × 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, जब हमें 1 का वैल्यू मिल जाता है, उसके बाद 10 का दिया जाए या 30 का दिया जाए या 15 का दिया जाए, वो क्या होगा, इसके साथ इंटू होगा, मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 का वैल्यू फाइंड होने के बाद बाकी जितना वैल्यू 2 का जैसे चाहिए, तो वो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होता है। हमेशा ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी बताया है। तो ये वाला मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ, ये हो गया 2/10। 2/10 क्या, सेंटीमीटर, यूनिट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। तो ये हो गया 2/10 सेंटीमीटर। जो अब आपको क्या दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना दिया है, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है, डेसिमल में भी दिया है, डेसिमल्स में आंसर चाहिए। तो 2/10 को डेसिमल में क्या करेंगे, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ए समझ आया होगा। अब हम करेंगे सी में। तो सी का दिया है 116 मिलीमीटर। तो 116 मिलीमीटर फर्स्ट हमें जानना है कि मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर यहाँ पे दिया है 116 मिलीमीटर, तो फर्स्ट हमें 1 मिलीमीटर का वैल्यू निकालना है। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू आपको मिल गया। अब 116 मिलीमीटर दिया है, तो 116 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा, जो 116 × 1/10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट जो भी आपको फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे देखिए 116 मिलीमीटर फाइंड करना है, तो 116 मिलीमीटर फाइंड करने से पहले आपको 1 मिलीमीटर का वैल्यू चाहिए। अगर 1 मिलीमीटर का वैल्यू आप फाइंड नहीं करते हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू हो गया 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 वन का जब निकल गया, उसके बाद 116 को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हुआ, 116 × 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला सेंटीमीटर में मिल गया। अब सेंटीमीटर में फाइंड कर लिया हमने, अब क्या चाहिए, क्वेश्चन में दिया है डेसिमल्स में भी निकालना है। डेसिमल्स में निकालना है मतलब ये है 116 सेंटीमीटर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मतलब आंसर आया था वही लिख दिया।
यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है मतलब 1 0 है, तो 1 डिजिट को छोड़कर उससे पहले वाले में पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया 11.6 सेंटीमीटर। आई होप आपको सी समझ आया होगा। अब हम करेंगे डी का। तो डी में दिया है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में भी दिया है। तो यहाँ पे डी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 मिलीमीटर कितना होता है, फर्स्ट 2 मिलीमीटर का वैल्यू निकालना है, उसको 4 सेंटीमीटर से प्लस कर देना है। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में फाइंड करने के लिए दिया है, तो ये वाला ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमें कुछ छेड़ना नहीं है, ये वाले नंबर को कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर फाइंड करना है और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, तो ये वाला पार्ट हमें कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है। तो 2 मिलीमीटर क्या होगा, 2 × 1/10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर क्या होगा, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर कितना होगा, 2 मिलीमीटर 2/2 × 1/10 होगा, कितना होता है ये, 2/10 हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 × 1/10 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर + 2/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर + 2/10 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर को कुछ छेड़ नहीं रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, तो ये 2/10 कितना होता है, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 + 0.2 कितना होता है, 4.2 होता है, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको डी समझ आया होगा। बस आपको क्या करना है, 2 मिलीमीटर को फर्स्ट कन्वर्ट करना है। 2 मिलीमीटर कितना होता है, 2/10 सेंटीमीटर होता है। 2 मिलीमीटर होता है 2/10 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको यही 2 मिलीमीटर का आपको मैंने इसमें कन्वर्ट करके बताया था, 2 मिलीमीटर दिया है, वही 2 मिलीमीटर का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, 2/10 सेंटीमीटर। 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.2 होता है, तो 0.2 हो गया, और 4 के साथ उसको प्लस करना है, जो ऑलरेडी ये वाला गिवन है, तो ये वाला हमेशा याद रखिए, ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये दोनों को, इसका रिजल्ट हमें निकालना है, इसका रिजल्ट निकालने के बाद 4 सेंटीमीटर से प्लस करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा, सॉरी नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।